नमस्कार दोस्तों, हमारी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CHO, NHM, ESIC, DSSB और NORSET के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रिपीटेडली आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलर्स इज ग्रेटेस्ट एट। तो इसका मीन्स है कि कोल्ड चेन जो है उसका फेल्योर का रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, किस लेवल पर होता है। तो हमारे इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए रीजनल लेवल, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट लेवल, सी PHC एंड डी सब सेंटर एंड विलेज लेवल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सब सेंटर एंड विलेज सेंटर। द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट इन एट सब सेंटर एंड विलेज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल पेल्विस, मीन्स इनमें से कौन सा फीमेल पेल्विस है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉइड, बी गायनेकोइड, सी फॉल्स पेल्विस, डी एंथ्रोपोइड। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी गायनेकोइड। सो गायनेकोइड इज अ फीमेल पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, द इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड, मीन्स जो इंक्रीज डेप्थ होती है ब्रीथिंग की, जो कि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होती है उसके साथ होती है, उसे क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए हाइपरएपनिया, ऑप्शन नंबर बी ब्रेडिपनिया, सी ऑर्थोपनिया, डी कुस्मोल्स ब्रीथिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हाइपर एपनिया, मीन्स जो डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग होती है जो कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट के साथ होती है, उसे हाइपर एपनिया कहते हैं। ये था हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, मीन्स कैल्सिटोनिन किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी, बी एड्रिनल, सी थायराइड, डी पीनियल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्लैंड। कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अदर अगर ऑप्शंस की बात करें तो पिट्यूटरी से, तो पिट्यूटरी के टू पार्ट्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर की बात करें तो दो हार्मोन सीक्रेट करती है ADH एंड ऑक्सीटोसिन। वहीं अगर बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, वहीं अगर बात करें अदर है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहीं अगर बात करें LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि LH और FSH दोनों ओवरी पर जाकर एक्ट करते हैं। अगर बात करें एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तो उससे ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और सेकेंड होता है ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन्स निकलते हैं। अब बात करें
हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल्स के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ से भी कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं, जिनमें कि इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन सीक्रेट होते हैं, जिनको कि बोथ को टुगेदर केटाकोलामाइन कहा जाता है। तो यह टर्म भी आप याद रखिए, केटाकोलामाइन किसे कहते हैं, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन को साथ में केटाकोलामाइन कहते हैं। वहीं इससे मिनरलोकोर्टिकोइड एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड हॉर्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द जनरल वेस्ट और इन विच हॉस्पिटल जनरल वेस्ट इज डिस्कार्डेड इन विच बैग, मीन्स हॉस्पिटल जो में जो जनरल वेस्ट होता है वो कहाँ किस बैग में डिस्कार्ड किया जाता है, और ये बैग BMW के अंतर्गत आता है या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के हमारे जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन नंबर ए येलो, बी ब्लैक, सी ब्लू एंड डी जो है वो है रेड। डी ऑप्शन है रेड। फर्स्ट ऑप्शन है येलो, बी ब्लैक, सी ब्लू एंड डी रेड। तो जो जनरल वेस्ट होता है, ये जनरल वेस्ट की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती है, तो जैसे कि जो भी पेशेंट के द्वारा जो रेपर्स या पेपर या फिर अदर आइटम्स जो कि प्लास्टिक आइटम्स जो कि कंटामिनेटेड नहीं होती, जैसे कि सीरिंज, रेपर। वहीं अगर बात करें कि हॉस्पिटल में जैसे बहुत लोग अदर बाहर से आते हैं जो कि कचरा करते, जैसे चिप्स पैकेट्स, अदर पेपर्स, ये सभी चीज़ें जनरल वेस्ट के अंतर्गत आती है और ये सभी जनरल वेस्ट में जाती है। वहीं अगर बात करें जनरल वेस्ट के डिब्बे की, तो वो हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो किस बैग में जाएगा, तो ब्लैक बैग में जाएगा। और जो ब्लैक बैग होता है इज़ नॉट कंसिडर्ड एज BMW मैनेजमेंट, मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बीन्स के अंतर्गत ब्लैक डब्बा नहीं आता है या ब्लैक बैग नहीं आता है। बात करें येलो की, तो येलो में ऑल कंटामिनेटेड एनाटोमिकल एंड एनिमल वेस्ट जाएगा। वहीं सबसे ज़्यादा चीज़ें इसी में जाएगी। सेकेंड है प्लेसेंटा, साइटोटॉक्सिक वेस्ट में फ्रेंड्स क्या आता है, तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट के अंतर्गत आता है कीमोथेरापेटिक ड्रग्स, ये भी येलो बैग में जाएगी। वहीं अगर बात करें ब्लड बैग, ये भी जाएगा, एक्सरे फिल्म्स, ये भी सब येलो बैग में जाएगी। ब्लड बैग, एक्सरे फिल्म, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट। और वहीं अदर जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो भी सभी येलो बैग में जाएंगे, क्योंकि ये केमिकल प्रूफ होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड अदर जो अल्कोहल बेस्ड जो होते हैं सभी डिसइंफेक्टेंट, वो सभी येलो बैग में जाएंगे। अगर बात करें ब्लू बैग की, तो ब्लू बैग में ऑल ग्लास आइटम एंड, वहीं अगर सेकेंड बात करें मेटेलिक इम्प्लांट्स, सभी ब्लू बैग में जाएंगे। ग्लास आइटम्स जैसे वाइल की बात करें, एम्प्यूल्स की बात करें, तो सारे टूटे हुए और ये सब वाइल्स इसी में जाएंगे। वहीं मेटेलिक वेस्ट की बात करें, तो जैसे रोड जो डलती है, मेटेलिक इम्प्लांट्स इसी में जाएगी। हमारा फोर्थ जो ऑप्शन था रेड, तो रेड रेड में क्या क्या चीज़ें जाती है, रेड में जाती है ऑल प्लास्टिक आइटम्स एंड रबर आइटम्स, ये सभी रेड में जाती है। और क्या क्या हो सकता है इसमें, आईवी ड्रिप सेट जो होता है वो भी जा सकता है, ऑल जो हमारी ट्यूब्स होती है, ऑल ट्यूबिंग्स
जैसे कि टीटी ट्यूब, ईटी ट्यूब, ये सारी ट्यूब सभी इसी में जाएगी। वहीं अगर बात करें सीरिंज, तो सीरिंज विदाउट नीडल। अब ये जो नीडल है ये इसमें क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि नीडल जो होती है नीडल के लिए अलग से बनाया गया है BMW में वाइट बैग, जो कि पंक्चर प्रूफ वाइट बैग होता है या वाइट डिब्बा होता है, वो ब्लैक के अंतर्गत होता है, वो वाइट के अंतर्गत होता है। और ये वाइट बीन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कि वाइट बीन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट पंक्चर प्रूफ होता है, और 2/3 फूल होने पर इसे एम्प्टी कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 टेबल स्पून ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू, मीन्स 1 टेबल स्पून मेडिसिन किसके इक्वल या बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 है 5 ml, बी है 10 ml, सी है 25 ml और डी है 20 ml। क्वेश्चन का जो आएगा ऑप्शन नंबर ए 5 ml, मीन्स 1 टेबल स्पून में, 1 teaspoon सॉरी, मीन्स 1 teaspoon में 5 ml होता है। अब अगर बात करें हम 1 टेबल स्पून में, टेबल स्पून का भी क्वेश्चन आता है, तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके NHM एग्जाम्स में पूछा गया है एंड CHO में टीस्पून वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान रखिए। ऐसी वैल्यूज़ वो एग्जामिनर बार बार आपसे पूछता रहता है, क्योंकि इनमें सभी कन्फ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अ चाइल्ड कैन विथ होल्ड एंड पोस्टपोन हिज बोवेल मूवमेंट्स एट द एज ऑफ, मीन्स जो चाइल्ड होता है वो विदहोल्ड कर सकता है और पोस्टपोन कर सकता है उसके बोवेल मूवमेंट्स को, तो वो किस एज में कर सकता है। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर B 2 ईयर, ऑप्शन नंबर C 3 ईयर एंड ऑप्शन नंबर 4 4 ईयर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर B 2 ईयर्स, मीन्स जो चाइल्ड होता है वो विदहोल्ड कर सकता है बोवेल को एंड पोस्टपोन कर सकता है उसके बोवेल मूवमेंट्स को, तो वो होता है 2 ईयर्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ, मीन्स नेशनल फैमिली प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, किस ईयर में। इस क्वेश्चन के हमारे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A 1993, ऑप्शन नंबर B 1962, ऑप्शन नंबर C 1952 एंड ऑप्शन नंबर D 1976। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर C 1952, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम NFPP से बोला जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1952 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू WHO मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स आर, मीन्स WHO के अनुसार मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 4 विजिट, B 3 विजिट, C 5 विजिट्स एंड D 12 विजिट्स। तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एंटीनेटल विजिट के बारे में क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए और इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से क्लियर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर A, मिनिमम जो होती है, मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स जो होती है, जो कि
WHO ने गाइडलाइंस दी है उसके अनुसार होती है 4 विजिट्स जो कि मिनिमम होना ही चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा वर्निक्स इनसिपेलोपैथी ऑक्यर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मीन्स जो वर्निक्स इनसिपेलोपैथी है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है। हमारे इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए नियासिन, बी थायमिन, सी राइबोफ्लेविन एंड डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी जो कि है थायमिन। अब जो थायमिन होता है वो उसी को विटामिन B1 भी कहा जाता है या विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर विटामिन B1 है जिससे कि वर्निक्स इनसिपेलोपैथी होती है। और बात करें नियासिन, तो नियासिन क्या है, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। और बात करें राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन। एंड अगर बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड इज़ अ विटामिन सी और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी रोग जो कि मसूड़ों और दांतों का है। अब विटामिन सी जो होता है वो किस चीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अदर बात करें तो ये सीट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और रिसेंटली जो आपकी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने वाले क्वेश्चंस को मिस ना करें और आपकी एग्ज़ाम्स में आपका सिलेक्शन श्योर करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के